तो दोस्तों, पेड वीडियो और पेड पार्टनरशिप्स और बाकी कॉमिक से मिलने वाले अथाह पैसे के चलते सब कुछ सिंह खरीदनी शुरू कर चुके हैं, डीसी कॉमिक्स और मार्वल कॉमिक्स, और आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं बैटमैन की टेम्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबको सिंह चैनल पे। और अभी तक कही गई सभी बातें काल्पनिक हैं, उनका वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है, सिवाय इस बात के कि हाँ, मैंने कुछ कॉमिक्स परचेज की हैं डीसी और मार्वल की भी, थोड़ा सा रीडिंग टेस्ट को चेंज करने के लिए। और अभी हाल ही में मेरे पास ये आई है बैटमैन डेम्ड, जिसको पढ़ना अभी बाकी है। लेकिन इस कॉमिक्स को पढ़ने के पहले या बिना पढ़े भी आप जितनी बार भी इसको देखेंगे, आप देखते ही रह जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ, और एक बार नज़र डालते हैं कुछ झलकियों पे इस कॉमिक्स को लेके। और इसका परचेजिंग लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो यह है दोस्तों बैटमैन डैम्ड, जिसका ये कंप्लीट एडिशन है। तीन पार्ट में ये कॉमिक है। यहाँ पे मेरे पास आ जाता है कंप्लीट एडिशन में, तीनों वॉल्यूम्स आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। और इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना था मैंने, तो मैं खुद को नहीं रोक पाया इसे परचेज करने से, मैंने कर लिया इसको परचेज। स्टोरी को लेकर मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि इसको पढ़ना अभी बाकी है, हाल ही में ये रिसीव हुई है। तो एक बार देख लेते हैं इसका फर्स्ट लुक। और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि अगर आप कॉमिक फ़ैन हैं, तो बिना स्टोरी जाने ही इसके फर्स्ट लुक को देखते ही आप इसको परचेज करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स है, इसमें टॉप पर हमारे पास आता है कि जैकेट कवर। तो अगर मैं इसको हटाता हूँ तो कुछ इस तरीके से ये जैकेट कवर दिखता है। ओपेक नहीं है पूरा, ट्रांसलूसेंट है, थोड़ा इसमें पारदर्शिता है, जिसमें आप देख सकते हैं। तो उसके साथ जो इसका बैकग्राउंड लुक आता है, वो भी काफ़ी अच्छे निकल के आता है। तो ये कुछ अलग स्टाइल का जैकेट कवर हम इसमें देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद ये आती है दोस्तों मेन बुक, जिसमें आप देखें तो यहाँ पर बैटमैन डैम्ड और ये बैटमैन की गौतम सिटी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। अब करते हैं इसको ओपन। तो अंदर वाइट पेजेस के साथ ही आता है, और यहाँ से शुरू हो जाती है कॉमिक्स। और पहला ही पैनल जब आप देखते हैं, ये जो हमने जैकेट पे देखा था, वो आपको देखने मिलता है। और वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि इस कॉमिक्स का आर्टवर्क किस तरीके का होने वाला है। तो देखते हैं इसको एक बार आगे बढ़ के। तो ये है दोस्तों इसके आर्टवर्क का लेवल, एक एक डिटेल आप इसमें इतने अच्छे से देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इनिशियल पेज है तो ऐसी आर्टवर्क है, इसमें आपको हर पेज पे दोस्तों इसी लेवल का आर्टवर्क देखने के लिए मिलेगा। इसलिए ये जो कॉमिक है, ये वर्थ रीडिंग, वर्थ परचेजिंग, और एज अ कलेक्टर आपके कलेक्शन में होने के लिए मैंडेटरी हो जाती है। तो ये दोस्तों इसके कुछ पेजेस हैं जो मैं आपके सामने इसको दिखा रहा हूँ। तो आर्टवर्क दोस्तों बेजोड़, लाजवाब, सारी चीज़ें इसमें बेहतरीन हैं। एक एक पेज दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो द लेवल ऑफ डिटेलिंग, हर चीज़ मतलब वर्ड्स नहीं है, शब्द नहीं है इसको डिफाइन करने के लिए। अगर इसके लास्ट में आके हम देखें, अगर आप कहते हैं कि कलेक्टेड एडिशन ले, तो एडिशनल चीज़ें क्या मिलती हैं, तो यहाँ दोस्तों जो कॉमिक एंड होती है, उसके बाद बोनस गैलरी आती है, जिसमें आपको कवर पेजेस देखने मिलेंगे, जो नंबर वन वॉल्यूम है, नंबर टू वॉल्यूम, नंबर थ्री, और ये अनयूज्ड कवर है जो डैम्ड के लिए यूज़ हुआ था। ये कुछ इंटरनल आर्टवर्क्स इसमें और हैं, कैरेक्टर स्केचेस हैं, बाकी आप देख सकते हैं इसमें जो स्केचेस हैं, यानी कि कलरिंग के पहले वाले पैनल्स हैं, वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। तो जो अंदर आपने आर्ट देखी है कलर्ड में, वो आप देख सकते हैं कि वो पेंसिलिंग में भी, सिर्फ इंकिंग के बाद भी बेजोड़ है और कितनी खूबसूरत है। यानी कि सिर्फ कलर और इफ़ेक्ट्स का खेल नहीं है, आर्टवर्क ही वाकई में बेजोड़ है। तो ये है दोस्तों इसके बोनस पेजेस। और इस सब को देखने के बाद एज अ कॉमिक फ़ैन, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आप खुद को रोक सकते हैं इस कॉमिक्स को परचेज़ करने से। और वैसे भी इस समय डील्स इतनी अच्छी चल रही हैं, प्राइजेस भी काफ़ी डाउन है, तो आप तो उसको बेधड़क खरीद लीजिए। इसको खरीदने का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और क्योंकि डीसी का पहला वीडियो है, तो मैं भी अभी थोड़ा सा फैमिलियर हो रहा हूँ मार्वल और डीसी से। इसके साथ ही मेरे पास मांगा का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन इकट्ठा हो चुका है हाल ही के दिनों में। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, वैसे भी अब कुछ नोटिस वगैरह का कुछ पंगा चल रहा है, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि राजकॉमिक्स पे कितना कंटिन्यू करना है, किस लेवल तक कंटिन्यू करना है। लेकिन दोस्तों, वीडियोज़ और कॉमिक्स का
जो साथ है वो कभी नहीं छूटेगा, भले ही थोड़े ग्लिचेस बीच में रहे हैं, लेकिन आप लोगों का साथ जो बना रहा है उम्मीद करता हूँ वो बना रहेगा। और सबको सिंह अपने एक्सपेंशन के साथ ढेर सारी कॉमिक्स, सिर्फ राज कॉमिक्स या सिर्फ हिंदी कॉमिक्स तक सीमित ना होते हुए और सारे जोनर्स को भी एक्सप्लोर करेगा आपके साथ मिलते हुए। तो दोस्तों बने रहिए सबको सिंह के साथ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही दंधनाते वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।